नमस्कार, जय हिंद। आदित्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। स्टैटिक जीके की क्लास चल रही थी, क्या कवर किया जा रहा है इसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं और डेली का हमारा 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री? किस भारतीय राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? बताइए, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, गुजरात। करेक्ट ऑप्शन बताइए। देखिए, राजस्थान को नहीं बोला जाता, कर्नाटक को भी नहीं बोला जाता, गुजरात को भी नहीं बोला जाता। करेक्ट कौन सा है हमारा? सी, केरल को बोला जाता है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। और केरल के सीएम की बात करते हैं, कौन है? पिनरई विजयन। चलिए, सी इज करेक्ट ऑप्शन। झबुआ आर ट्राइबल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? झबुआ निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, गुजरात के नहीं है, राजस्थान के भी नहीं है, महाराष्ट्र के भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? मध्य प्रदेश। बी इज करेक्ट ऑप्शन। और मध्य प्रदेश के सीएम की बात करते हैं, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चलिए, और नए गवर्नर बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के, कौन है गवर्नर? मंगू भाई सी पटेल। चलिए, बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन अमोंग द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट लहासा विथ लद्दाख? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? बताइए, खैबर या बुर्जिल या बाबूसार या लनकला। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, खैबर नहीं जोड़ता, बुर्जिल भी नहीं जोड़ता, बाबूसार भी नहीं जोड़ता। करेक्ट कौन सा हमारा? लनकला। डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए, बनारस, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली। देखिए, बनारस से नहीं किया था और कानपुर से भी नहीं, दिल्ली से भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी, लखनऊ। बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, विच अमोंग द फॉलोइंग लेड टू जलियांवाला बाग मैसर्स? निम्नलिखित में से किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? द आर्म्स, हथियार के कारण, द रॉलेट एक्ट के कारण, या द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, या सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के कारण, या वर्नेकुलर पुलिस एक्ट। बताइए, करेक्ट आंसर बताइए इसका। हथियार के कारण नहीं हुआ था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के कारण भी नहीं हुआ था, या वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के कारण भी नहीं हुआ था। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? द रॉल्ट एक्ट के कारण हुआ था। बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? निम्नलिखित नेताओं में से किसने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए, सोनजी पंत, या देवी सिंह, या कुंवर सिंह, या सुरेंद्र साई। करेक्ट आंसर बताइए। सोनजी पंत नहीं थे, देवी सिंह भी नहीं, और सुरेंद्र साई भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। चलिए, सी इज करेक्ट ऑप्शन। इन विच ईयर टू एडिशनल कमिश्नर वेयर अपॉइंटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के चुनाव आयोग में पहली बार किस वर्ष में दो अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? बताइए, 1980, 1985, 1989 या 1991। करेक्ट आंसर बताइए। 1980, 1985, 1989, 1991। देखिए, करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1989। सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत वेयर गिवेन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? बताइए, आर्टिकल 219, आर्टिकल 239, आर्टिकल 243 या आर्टिकल 226, 226, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका 200, आर्टिकल 219 नहीं है, आर्टिकल 239 भी नहीं है और आर्टिकल 226 भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? आर्टिकल 243, सी, अनुच्छेद 243, सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के चलते हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी इज करेक्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर ग्लाइकोजन? मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लाइकोजन को भंडारण करता है? लिवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज या स्किन? बताइए, आंत, अग्नाशय, त्वचा। करेक्ट आंसर बताइए। इंटेस्टाइन नहीं करता और पेनक्रियाज भी नहीं, स्किन भी नहीं, कौन करता है? लीवर, ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक्ड लाइम या प्लास्टर ऑफ पेरिस या डिटर्जेंट? बताइए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, स्लेक्ड लाइम भी नहीं है और डिटर्जेंट भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी इज करेक्ट ऑप्शन। और इसके फॉर्मूले की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है? CaSO4 हाफ H2O। चलिए, सी इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन पे इजिली मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।